हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएच क्लासेस पर, जिस पर आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को, जो आपसे बोर्ड के एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि पीएन संधि डायोड को पूर्ण तरंग दृष्टकारी के रूप में किस प्रकार प्रयुक्त किया जाता है। तो स्टैंड सबसे पहले एक बात मैं बताता चलूं बेटा कि ये सवाल जो है केवल थ्योरी बेस्ड सवाल है, अर्थात इसके अंदर हमें कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू सॉल्व नहीं करनी पड़ती है, ठीक है। यानी पूरा का पूरा आपको बेटा थ्योरी याद करनी है और थ्योरी के बेस पर इसमें आपको 5 नंबर मिल सकते हैं फ्रेंड, ठीक है। और थ्योरी देखिए, इससे इस क्वेश्चन से संबंधित जितने भी आवश्यक थ्योरी है, देखिए आपकी क्वेश्चन बैंक में या साइड बुक में बहुत बहुत भारी भरकम थ्योरी होती है जिसको याद करना बेटा आपके लिए बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन मैंने अपनी ट्रिक के माध्यम से इसकी बहुत ही शॉर्ट थ्योरी को आपके लिए स्क्रीन पर लिखा है। लेकिन थ्योरी को समझाने से पहले मैं इसके सर्किट डायग्राम को समझाऊंगा कि पीएन संधि डायोड को पूर्ण तरंग दृष्टकारी के रूप में किसका प्रयुक्त करते हैं, ठीक है स्टैंड। तो आइए पहले लेक्चर को शुरू करते हैं, पहले डायग्राम को समझते हैं फिर इसकी थ्योरी को समझेंगे स्टैंड, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले स्टैंड, जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं आपको ओवरऑल बताता हूँ पहले डायग्राम से संबंधित बात। इसमें सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, हम ट्रांसफार्मर की दो कुंडलियाँ लेते हैं, ट्रांसफार्मर की दो कुंडलियाँ लेते हैं जिसमें प्राथमिक कुंडली को प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ देते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि तांबे के तार की बेटा दो कुंडलियां हैं, ठीक है, एक कुंडली ये है और दूसरी कुंडली ये है। ये प्राथमिक कुंडली है, इसको मैंने पी से दर्शाया, ये सेकेंडरी यानी द्वितीय कुंडली, इसको मैंने एस से दर्शाया, ठीक है। और प्राथमिक कुंडली को हम प्रत्यावर्ती धारा स्रोत यानी एसी का मतलब क्या बेटा, अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। हमने प्राथमिक कुंडली को प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ दिया, ठीक है। जबकि द्वितीय कुंडली के ए व बी सिरो को, जैसे कि आप देख रहे हैं बेटा द्वितीय कुंडली के ए और बी सिरो को, ठीक है, पीएन संधि डायोडो के पी क्षेत्र से जोड़ देते हैं। देखिए ये आप ये जो ब्लैक कलर का त्रिभुज देख रहे हैं, ये ब्लैक कलर का त्रिभुज, ये भी ब्लैक कलर का त्रिभुज, ये दोनों क्या पी क्षेत्र हैं, ठीक है स्टैंड। और ये जो एक लाइन आप देख रहे हैं, ये एक लाइन देख रहे हैं, ठीक है, ये क्या बेटा एच क्षेत्र है। तो आप देख रहे हैं कि द्वितीय कुंडली का एक ए सिरा है और एक बी सिरा, तो ये भी देखिए पी क्षेत्र से जुड़ा है और ये भी क्या बेटा पी क्षेत्र से जुड़ा है, ठीक है। अच्छा अब हम क्या करते हैं बेटा, हमने ए और बी सिरों को तो हमने पी क्षेत्र से जोड़ दिया, लेकिन ये जो आप एन क्षेत्र देख रहे हैं, ये वाले एन क्षेत्र है ना, तो एन क्षेत्रों को आपस में हम क्या करते हैं बेटा, कनेक्ट कर देते हैं। आपस में हम क्या करते हैं बेटा, कनेक्ट कर देते हैं। और कनेक्ट करने के बाद क्या करते हैं बेटा कि इन दोनों का जो संबंध करते हैं, ये द्वितीय कुंडली के मध्य बिंदु टी से करते हैं। देखिए बात को समझें, पहले हम क्या करेंगे बेटा कि एन क्षेत्रों को आपस में हम क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे, जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद इन एन क्षेत्रों का जो संबंध करते हैं इस द्वितीय कुंडली के मध्य बिंदु टी से कर देते हैं। कैसे करते हैं देखिए, समझिए मेरी बात को, और यहाँ पे क्या एक रेजिस्टेंस लगाते हैं, प्रतिरोध लगाते हैं ना, जिसे हम लोड प्रतिरोध के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं बेटा इसको, लोड प्रतिरोध यानी आर एल, ठीक है। और ये मान लीजिए सी है और ये क्या बेटा आपका डी है, ठीक है स्टैंड। मैंने फिर देखिए वो अपनी बात को समझे, मैंने क्या बताया था, हमने क्या कहा द्वितीय कुंडली के ए और बी सिरों को पीएन संधि डायोड के पी क्षेत्र से जोड़ दिया, किस जोड़ दिया बेटा, पी क्षेत्र से जोड़ दिया, जबकि एन क्षेत्र को परस्पर संबंधित करके, ठीक है, और द्वितीय कुंडली के मध्य बिंदु टी से जोड़ दिया, ठीक है स्टैंड। आपको समझ में आ चुका होगा। अब देखिए करना क्या होता है बेटा, पहले इतना जो मैंने बताया इसकी पहले थ्योरी को समझते हैं बेटा। सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे बेटा पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दृष्टकारी के रूप में, है ना, पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दृष्टकारी के रूप में। अब देखिए इसकी थ्योरी को पढ़ते हैं, थोड़ी क्या देखिए, इसमें ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली को प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ देते हैं। मैंने अभी आपको बताया प्राथमिक कुंडली को कैसे जोड़ते हैं बेटा, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ देते हैं, ठीक है। अच्छा जबकि द्वितीय कुंडली के ए व बी सिरों को, देखिए जबकि द्वितीय कुंडली यानी इस वाली कुंडली की बात चल रही है, अब ए व बी सिरों को, ए व बी सिरों को पीएन संधि डायोडो के, है ना, ये जो आप दो डायोड देख रहे हैं D1 और D2, ठीक है, पी क्षेत्र से जोड़, पी क्षेत्र से, ठीक है। यानी एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ बात को, जबकि द्वितीय कुंडली के ए व बी सिरों को पीएन संधि डायोडो के पी क्षेत्रों से, जैसे कि मैं आपको बता रहा था ए को भी हमने पी से जोड़ रखा है बेटा और बी को भी हमने पी क्षेत्र से जोड़ रखा है, तथा एन क्षेत्रों को परस्पर संबंधित करके, जैसे कि मैं अभी आपको बता रहा था एन क्षेत्रों को आपस में संबंधित करेंगे, ठीक है, संबंधित करके लोड प्रतिरोध RL द्वारा द्वितीय कुंडली के मध्य बिंदु टी से जोड़ देते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन एन क्षेत्रों को आपस में कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट करने के बाद दोनों का संबंध द्वितीय कुंडली के मध्य बिंदु टी से कर देते हैं, ठीक है स्टैंड। ये आपको कहता है इसकी परिपथ की रचना आपको समझ आई मैंने, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी क्रियाविधि किस प्रकार होगी, ये कार्य कैसे करेगा, देखिए स्टैंड। तो पूर्ण तरंग दृष्टकारी के रूप में पीएन संधि डायोड किस स्थिति में कार्य करता है, उसके लिए इंपॉर्टेंट बात क्या होती है बेटा। देखिए सबसे पहली बात आपको बेटा ये पता होना चाहिए कि प्रत्यावर्ती धारा का जो ग्राफ होता है वो किस प्रकार से ड्रॉ किया जाता है।
तो देखिए स्टैंड, मैंने समय बचाने के लिए बेटा ग्राफ पहले से ही बना करके रखा है। प्रतिवर्ती धारा का ग्राफ जो ड्रॉ होता है बेटा, वो इस टाइप से ड्रॉ होता है, जहाँ पर ये मान लीजिए मूल बिंदु है। अगर इसके ऊपर बात करेंगे तो धारा पॉजिटिव डायरेक्शन में होगी, और जब हम नीचे की बात करेंगे यानी ऊपर चलेंगे तो धारा पॉजिटिव डायरेक्शन में रहेगी, और जब नीचे की बात करें तो धारा नेगेटिव डायरेक्शन में रहेगी। ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक आपको समझाना चाहूँ बेटा, यहाँ से यहाँ तक, तो ये प्रत्यावर्ती धारा का आधा चक्कर माना जाता है। प्रत्यावर्ती धारा का आधा चक्कर माना जाता है, ठीक है, और यहाँ से आधा चक्कर यहाँ से यहाँ तक माना जाता है। तो कुल मिलाकर के अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की बात करता हूँ, ठीक है, तो ये प्रत्यावर्ती धारा का पूरा एक चक्कर कहलाता है। ठीक है, एक बार फिर समझ लें, यानी प्रत्यावर्ती धारा की अगर बात करता हूँ तो इसका जो ग्राफ चलता है कुछ इस टाइप से चलता है ना। लेकिन अब ये जो ग्राफ है बेटा कैसे बटा हुआ होता है, इस बात को समझें। यानी अगर मैं बात यहाँ से यहाँ तक की बात करता हूँ तो ये प्रत्यावर्ती धारा का आधा चक्कर, ठीक है, और ये प्रत्यावर्ती धारा का आधा चक्कर, तो कुल मिलाकर यहाँ से यहाँ तक इस पॉइंट तक प्रत्यावर्ती धारा का ये पूरा एक चक्कर है। ठीक है, पूरा एक चक्कर है। अब हमें देखना ये होता है बेटा कि ये जो अपना पीएन चलने, ये जो आपका एक लोड प्रतिरोध आरएल लगा है, लोड प्रतिरोध आरएल लगा है, ठीक है, तो प्रत्यावर्ती धारा के इस वाले आधे चक्कर में इसमें धारा प्रवाहित होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, प्रत्यावर्ती धारा का ये वाला जो आधा चक्कर है तो भी इसमें धारा प्रवाहित होनी चाहिए। अगर प्रत्यावर्ती धारा के दोनों आधे चक्करों में लोड प्रतिरोध में धारा बहेगी तो पीएन सन्धि डायोड पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, अगर नहीं करेगा, मतलब धारा नहीं बनेगी, तो पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में कार्य नहीं करेगा। लेकिन जब क्वेश्चन इस टाइप से बनाया गया है कि हमें सिद्ध ये करना है कि पीएन सन्धि डायोड पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में कार्य करता है, तो निश्चित बात यह है कि प्रत्यावर्ती धारा के दोनों ही आधे चक्रों में इस लोड प्रतिरोध में धारा प्रवाहित होगी। अब ये कैसे होगी, आइए इसकी क्रियाविधि को मैं समझाता हूँ स्टैंड। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, हम सबसे पहले ये करते हैं कि ये जो प्रत्यावर्ती धारा के प्रथम आधे चक्र में, प्रथम आधे चक्र की बात जो मैं बता रहा था आप लोगों को बेटा, वही यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहा हूँ। प्रत्यावर्ती धारा के प्रथम आधे चक्र में, यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहा हूँ। ठीक है, प्रथम आधे चक्र में जब बिंदु ए, ठीक है, बिंदु टी के सापेक्ष, ये जो बिंदु आप टी देख रहे हैं, कुंडली का जो मध्य बिंदु टी है, ठीक है, यानी प्रत्यावर्ती धारा के प्रथम आधे चक्कर में बिंदु ए बिंदु टी के सापेक्ष धन विभव पर होता है। किस पर होता है बेटा, धन विभव पर होता है, यानी प्लस से जुड़ा होता है, बैटरी के धन सिरे से जुड़ा होता है। ठीक है, यानी एक बार फिर सुनाऊं, प्रत्यावर्ती धारा के प्रथम आधे चक्कर में जब बिंदु ए बिंदु टी के सापेक्ष धन विभव पर होता है तो बिंदु बी ऋण विभव पर होता है। किस पर होता है बेटा, ऋण विभव पर होता है, यानी अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये निश्चित ही क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है स्टैंड। अच्छा, अब ध्यान से समझे बेटा कि देखिए, ये बिंदु ए को मैंने माना है धन सिरे से जुड़ा हुआ, यानी धन विभव पर माना है। अब देखिए ये जो पीएन सन्धि डायोड आप देख रहे हैं, ठीक है, ये पीएन सन्धि डायोड का प्रतीक है जिसको हमने डायोड D1 का नाम दिया है। तो ये जो आप ब्लैक कलर का त्रिभुज आप देख रहे हैं स्टैंड, ठीक है, ये पी क्षेत्र है, और ये जो ये लाइन देख रहे हैं ये क्या बेटा आपका एन क्षेत्र है। क्या बेटा, एन क्षेत्र है। अब पी क्षेत्र बेटा पॉजिटिव होता है, पी क्षेत्र क्या होता है बेटा, पॉजिटिव होता है, वो किस कारण होता है, क्योंकि पी क्षेत्र के अंदर क्या होते हैं बेटा, कोटर होते हैं। क्या होते हैं, कोटर होते हैं। और ये जो एन क्षेत्र होता है क्या होता है बेटा आपका, निगेटिव होता है, और इसके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपको क्वेश्चन में आ रहा होगा, एक बार फिर समझें कि ये जो पीएन सन्धि डायोड में ये जो ब्लैक कलर का त्रिभुज आप देख रहे हैं ये क्या होता है, पी क्षेत्र होता है। पी क्षेत्र क्या होता है बेटा, पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव होने का मेन कारण क्या होता है, इसके अंदर क्या होते हैं, धनात्मक कोटर होते हैं। और ये जो आप लाइन देख रहे हैं ये निगेटिव क्षेत्र होता है। निगेटिव इसलिए होता है क्योंकि बेटा इसके अंदर आवेश वाहक क्या होते हैं, ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब संधि को देखते हैं बेटा। देखिए ये हमने माना धन विभव पर, और देखिए ये वाला प्लस से जुड़ा है, यानी ये धन विभव पर जुड़ा हुआ है, और ये भी प्लस है, यानी बिंदु ए भी धन विभव पर है और ये पहले से धन विभव है ना। यानी कहने का मीनिंग मेरा ये है कि बेटा कि ये जो आपका देखिए, ध्यान से देखें, ध्यान से समझें एक बार को, यानी प्लस वाला जो पॉइंट ए है वो पीएन सन्धि डायोड के पीछे तरफ से जुड़ गया, यानी प्लस प्लस से जुड़ गया। ठीक है, अब बात करते हैं, हमने कल्पना कैसे करी थी, तुलना कैसे करी थी, टी से करी थी। कैसे करी थी बेटा, टी, हमने ये तो कहा था कि यदि बिंदु ए बिंदु टी के सापेक्ष धन विभव पर हो, ठीक है, तो जब ये धन विभव पर है तो ये ऋण विभव पर होगा, और ये ऋण विभव पर होगा तो विभव बेटा ये भी आपका ऋण विभव पर होगा, ये भी आपका ऋण विभव पर होगा। ठीक है, क्योंकि हमने तुलना जो करी थी यहाँ से तो स्टार्ट कर दी, जब प्रत्यावर्ती धारा के प्रथम आधे चक्कर में बिंदु ए बिंदु टी के सापेक्ष धन विभव पर हो, ठीक है, तो बिंदु बी क्या होगा, ऋण विभव पर होगा, यानी ये प्लस है तो ये दोनों क्या होंगे, निश्चित ही नेगेटिव होंगे। ठीक है, अब ध्यान से समझते हैं, देखिए ध्यान से समझे स्टैंड। देखिए ये वाला देखो प्लस, और प्लस वाला एरिया तो प्लस से जुड़ा है, अब ये नेगेटिव है, और नेगेटिव किससे जुड़ा हुआ, देखो ध्यान से देखो, ये भी नेगेटिव से जुड़ा हुआ, यानी प्लस वाला सिरा प्लस से जुड़ा हुआ है और नेगेटिव वाला सिरा नेगेटिव से जुड़ा, यानी जो टी है बिंदु टी, इसका मध्य बिंदु टी है, ये नेगेटिव विभव पर है। ठीक है,
तो नेगेटिव कैसे जुड़वा, देखो नेगेटिव से जुड़वा क्योंकि एन क्षेत्र नेगेटिव होता है, और ये जो ए क्षेत्र जुड़ा पी से जुड़ा, पी क्षेत्र का होता पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव से जुड़ा है और नेगेटिव नेगेटिव से जुड़ा है, ठीक है। तो इस स्थिति में क्या होता है बेटा, ये जो पीएन संधि डायोड डी1 होता है, ये जो डायोड डी1 है ये अग्रविनत होता है। कैसे होता है बेटा, अग्रविनत होता है, और जब पीएन संधि डायोड बेटा अग्रविनत होता है तो उससे धारा प्रवाह होता है, ठीक है। यानी इसके अग्रविनत होने के कारण इस लोड प्रतिरोध में धारा बहेगी वो इस टाइप से आएगी, यानी इस माध्यम से होती हुई, ठीक है। ऐसे ऐसे और ये इस प्रकार का इसका चक्र रहेगा, किसका बेटा, धारा का चक्र रहेगा, आपको समझ में आया होगा। लेकिन ये तो अग्रविनत होगा, लेकिन जब ये अग्रविनत होगा तो ये उत्क्रम अविनत होगा, उत्क्रम का मतलब बेटा पश्चविनत भी होता है। अब ये पश्चविनत क्या होता है इसको बात को समझो, क्योंकि ये नेगेटिव विभव पर है, किस पे बेटा, नेगेटिव विभव। अब मैंने बताया कि पी क्षेत्र क्या होता है बेटा, पॉजिटिव होता है, पी क्षेत्र क्या होता है पॉजिटिव, और एन क्षेत्र क्या होता है नेगेटिव, ठीक है। अब देखिए ये नेगेटिव विभव पर है, अभी नेगेटिव देखिए ध्यान समझें, ये भी क्या नेगेटिव विभव पर है, यानी ऋण विभव पर है। अभी जुड़वा कैसे है बेटा, प्लस वाले से, यानी इसका जस्ट उल्टा है, ये प्लस वाला देखो प्लस से था, प्लस प्लस है, लेकिन यहाँ पे क्या प्लस माइनस है, या यूँ कहो माइनस प्लस से जुड़वा, क्योंकि ये माइनस है और ये क्या बेटा प्लस, तो माइनस वाला प्लस से जुड़ गया, यानी ये संधि कहती होगी बेटा उत्क्रम अविनत हो गया, ताकि पश्चिम अविनत हो गई। तो ये डायोड D2, इसका नाम है D2, डायोड D2, ये पश्चिम अविनत होगा, और पश्चिम अविनत होने के कारण बेटा ये कार्य नहीं करेगा, वो अग्रविनत होगा, और उसके कारण इस पीएन संधि डायोड सॉरी लोड प्रतिरोध में धारा जो बहेगी वो सी से डी की ओर को बहेगी। आई होप क्वेश्चन में आया होगा। देखिए समझाता हूँ मैं इसकी क्रियाविधि को, बात को समझें, क्रियाविधि हेडिंग लगाएंगे, प्रत्यावर्ती धारा के प्रथम आधे चक्कर में, प्रत्यावर्ती धारा के प्रथम आधे चक्कर में, इस वाले आधे चक्कर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, चक्र में जब बिंदु ए, मैंने आपको बताया बिंदु टी के सापेक्ष ठीक है धन विभव पर होता है, तो बिंदु बी ऋण विभव पर होता है। मैंने बताया भी आपको, जब ये धन विभव पर होगा तो ये ऋण विभव पर होगा, और ये ऋण विभव पर होगा तो बेटा ये भी ऋण विभव पर होगा, ठीक है स्टूडेंट, आपको समझ में आया होगा। अब समझे बेटा, बिंदु टी के सापेक्ष धन विभव पर होता है, तो बिंदु बी ऋण विभव पर होता है। इस स्थिति में डायोड D1 अग्रविनत तथा डायोड D2 पश्चविनत होता है। डायोड D1 के अग्रविनत होने के कारण है ना लोड प्रतिरोध में धारा सी से डी की ओर, ये एरो का चिन्ह का मीनिंग बेटा ये है कि धारा जो बह रही है सी से डी की ओर प्रवाहित होती है। तो प्रतिवर्ती धारा का प्रथम आधे चक्कर की जो क्रियाविधि थी वो यहाँ से यहाँ तक हुई बेटा, ठीक है। अब बात करेंगे बेटा प्रतिवर्ती धारा का ये दूसरा आधा चक्कर जो है, ये दूसरा आधा चक्कर जो नीचे की ओर का, ठीक है स्टैंड। अब हम क्या मानेंगे, अब मानेंगे बेटा कि प्रत्यावर्ती धारा के दूसरे आधे चक्कर में, यानी क्या, ये तो बात हो गई प्रथम आधे चक्कर की, अब बात करें प्रत्यावर्ती धारा के दूसरे आधे चक्कर में, मतलब इसमें। तो देखिए प्रत्यावर्ती धारा के दूसरे आधे चक्कर में जब बिंदु ए अब देखिए बिंदु ए बिंदु टी के सापेक्ष ऋण विभव पर होता है, किस होता है बेटा ऋण विभव पर होता है, किस होता है बेटा ऋण विभव पर। अब ये ऋण विभव पर हो गया तो ये निश्चित ही क्या होगा बेटा, टी प्लस होगा, मैंने आपको बताया था कि जस्ट इसका उल्टा होता है, और जब ये प्लस होगा तो बेटा ये भी प्लस होगा, ठीक है, ध्यान से समझे मेरी बात को। मैंने बताया कि प्रत्यावर्ती धारा के दूसरे आधे चक्कर में, यानी इसके निगेटिव वाली डायरेक्शन में, क्यों, करंट अब नीचे आ रहा, ग्राफ नीचे आने का मतलब क्या, धारा निगेटिव डायरेक्शन में है। जब ये निगेटिव डायरेक्शन में, तो हम मानेंगे बिंदु ए को निगेटिव विभव पर, और जब बिंदु ए को निगेटिव विभव पर मानेंगे तो बिंदु बी और ए टी दो ऑटोमेटिकली क्या होंगे बेटा, पॉजिटिव विभव पर होंगे, ठीक है। तो इस स्थिति में क्या होगा बेटा, ये निगेटिव विभव पर है, और ये ए जो सिरा है, ठीक है, ये प्लस वाले से पीएन संधि डायोड के पीछे तक जुड़ा, और पीछे तक क्या था बेटा पॉजिटिव होता है। अब ये निगेटिव वाला सिरा पॉजिटिव से जुड़ गया, ठीक है, तो ये संधि कैसे हो गई बेटा, पश्चविनत हो गई। जबकि अगर मैं इसकी बात करता हूँ इस संधि की, तो देखिए ये क्या, देखिए ये प्लस प्लस वाला सिरा है, क्योंकि मैंने इसको धन विभव पर माना, और ये धन जब ये प्लस से जुड़ा है तो ये देखिए प्लस वाला प्लस से जुड़ा हुआ, यानी ये तो धन विभव पर है ऑलरेडी, जब वो नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा, और देखिए पॉजिटिव वाला सिरा कैसे जुड़ा हुआ, पॉजिटिव से जुड़ा हुआ। तो अब की स्थिति में प्रतिवर्ती धारा के दूसरे आधे चक्कर में ये जो डायोड D2 है ये अग्रविनत होगा, ये अग्रविनत होगा, जबकि वो क्या होगा, पश्चविनत होगा। सीधे सीधे आप देख सकते हैं नेगेटिव वाला पॉजिटिव से जुड़ गया, इसलिए संधि कैसी हो गई, ये उत्क्रम अविनत हो गई, यानी पश्चविनत हो गई। जबकि इसमें देखो प्लस वाला प्लस से जुड़ा हुआ है, ये जो ब्लैक कलर का त्रिभुज है ये हमेशा ही क्या होता है, पॉजिटिव एरिया होता है, यानी पिछहत्तर ज्यादा पॉजिटिव होता है क्वार्टर के कारण डिस्टेंट, ठीक है। तो ये संधि क्या हो गई बेटा, आपकी अग्रविनत हो गई, और अग्रविनत होने के कारण डायोड D2
में धारा प्रवाहित होगी, यानी इसके माध्यम से धारा प्रवाहित होगी। और जब ये धारा प्रवाहित होगी तो इसके माध्यम से धारा की जो डायरेक्शन होगी बेटा वो क्या होगी, इस टाइप से ये, यानी अब जो धारा बहेगी बेटा वो इस माध्यम से बहेगी, ठीक है। यानी इसके जब ये चालित था प्रत्यावर्ती धारा के प्रथम आधे चक्कर में, तब भी धारा की डायरेक्शन ये वाली थी तो धारा प्रवाहित हुई थी। प्रत्यावर्ती धारा के दूसरे आधे चक्कर में ये अगर अभिनत है, बोध क्रम अभिनत है, तो इसके कारण धारा प्रवाहित होगी, इस प्रकार प्रवाहित हो रही है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि ये जो आप लोड प्रतिरोध देख रहे हैं, प्रत्यावर्ती धारा के दोनों ही आधे चक्रों में इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। और जब दोनों ही चक्रों में धारा प्रवाहित होती है बेटा, तब कहा जाता है कि पीएन सन्धि डायोड अग्र अभिनत के रूप में कार्य करता है, ठीक है। यानी इसमें प्रत्यावर्ती धारा के दोनों ही आधे चक्रों में लोड प्रतिरोध में धारा बह रही है, इसका मीनिंग बेटा ये होता है कि पीएन सन्धि डायोड अग्र अभिनत के रूप में कार्य करता है, ठीक है स्टैंड। आई होप कि समझ में आया होगा स्टैंड। और देखिए एक बार मैं इसको फिर से समराइज करा देता हूँ, आपको फिर से एक बार समझा देता हूँ, जिसकी पूर्ण व्याख्या शॉर्ट ट्रिक्स है। देखिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रत्यावर्ती धारा के प्रथम आधे चक्र में। प्रथम आधे चक्र में हम क्या मानते हैं बेटा, ए को प्लस मानते हैं और बी को हम क्या मानते हैं बेटा, नेगेटिव मानते हैं, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक समझा रहा हूँ, जब ये प्लस होगा ठीक है, और ये प्लस वाला प्लस से जुड़ा है, प्लस वाला प्लस से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और ये जब ये प्लस होगा तो ये क्या होगा बेटा, नेगेटिव होगा, सेम बी की तरह मैंने आपको बताया, ठीक है। तो देखिए प्लस वाला सिरा प्लस से जुड़ा हुआ और नेगेटिव वाला सिरा नेगेटिव से जुड़ा हुआ, तो ये डायोड D1 जो है अग्र अभिनत होगा। तो इस अग्र अभिनत होने के कारण ठीक है, इसमें लोड प्रतिरोध में धारा जो सी से डी की ओर प्रवाहित होगी, यानी इस माध्यम से धारा ऐसे करके इधर को आएगी, ठीक है। और देखिए इस प्रत्यावर्ती धारा के प्रथम चक्र में जब ये अग्र अभिनत होगा, डायोड D1 अग्र अभिनत होगा, तो ये चलेगा यानी कार्य करेगा। लेकिन ये क्या होगा, उत्क्रम अभिनत होगा, क्यों होगा, क्योंकि नेगेटिव ऊपर है और ये नेगेटिव वाला कैसे जुड़ा बेटा, पॉजिटिव से जुड़ा, यानी ये संधि कैसी हो जाएगी बेटा, आपकी उल्टी हो जाएगी, ठीक है। तो प्रत्यावर्ती धारा के प्रथम आधे चक्कर में इसके कारण D1 के कारण इसमें धारा प्रवाहित होगी, जबकि D2 कारण धारा प्रवाहित नहीं होगी। अच्छा प्रत्यावर्ती धारा के दूसरे आधे चक्कर में ये नीचे वाला चक्कर होता है, तो अब इसमें क्या करेंगे हम, इसको नेगेटिव मानते हैं, इसको नेगेटिव ऊपर लेंगे क्योंकि धारा का ग्राफ नीचे की ओर आ रहा है, ठीक है। और इसको हम क्या लेंगे बेटा, पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। और जब ये पॉजिटिव होगा तो बेटा ये भी क्या होगा, आपका पॉजिटिव होगा, ठीक है स्टैंड। अब देखिए दूसरे आधे चक्कर में क्या होगा, अब डायोड D2 क्या हो जाएगा, पश्चिम अभिनत हो जाएगा, यानी उत्क्रम अभिनत हो जाएगा, वो कार्य नहीं करेगा, क्योंकि ये नेगेटिव और नेगेटिव किससे जुड़ गया बेटा, पॉजिटिव से जुड़ गया, ठीक है। तो ये अब कार्य नहीं करेगा, अब ये पॉजिटिव पॉजिटिव से जुड़ा है, तो डायोड D2 कार्य करेगा। अब इसके कारण लोड प्रतिरोध में धारा बहेगी, वो इस माध्यम से बहेगी, यानी प्रत्यावर्ती धारा के दोनों ही आधे चक्रों में धारा प्रवाहित होती रहती है स्टैंड, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि पीएन सन्धि डायोड पूर्ण तंगनिष्ठकारी के रूप में कार्य करता है। अब इसके देखिए इस ग्राफ को समझा रहा हूँ, ये तो प्रत्यावर्ती धारा का मेन ग्राफ है, ठीक है, मेन ग्राफ है, ठीक है। अब हमें क्या करना होता है, हमें देखना दृष्टिकरण क्या होता है, यानी प्रत्यावर्ती धारा को दृष्टि धारा में चेंज कर किया जा सकता है आसानी से, है ना। तो इसके देखिए ये मैन ग्राफ, तो ये प्रत्येक धारा का ग्राफ ये है, ये जो दृष्टिकरण से पहले है, दृष्टिकरण से पहले, लेकिन दृष्टिकरण के बाद क्या हो जाएगा उसको समझें। दृष्टिकरण के बाद ये हो जाएगा बेटा कि ये जो धारा के नीचे वाले मान, ये वाला ऊपर वाला मान तो यही आएगा शायद, ठीक है। लेकिन नीचे वाला जो मान है वही मान मैंने ऊपर को लिखकर दिखाया है, ये जो नीचे वाला मान है आधा दूसरा आधा चक्कर यही ऊपर है, देखो ये वाली बात, यानी ये तो जो ये वाला था वो ये आएगा, और जो ये नीचे वाला था वही जस्ट मैंने कहाँ लिखा, ऊपर लिखा, ये ऊपर का बेटा ऊपर आ गया, ठीक है। ये जस्ट नीचे वाला कहाँ गया बेटा, ऊपर आ गया। फिर ऐसे ग्राफ आगे चलता रहेगा, तो इसको और भी आगे हम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि दृष्टि धारा का ग्राफ बेटा हमेशा एक ही डायरेक्शन में होता है, या तो नेगेटिव में होता है या पॉजिटिव में होता है। तो आप देख रहे होंगे ये कौन सी डायरेक्शन में, हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में ही है, कौन डायरेक्शन में बेटा, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है, ठीक है। जबकि प्रत्यावर्ती धारा का जो ग्राफ होता है वो दोनों डायरेक्शन में होता है, नेगेटिव में भी होता है पॉजिटिव में होता है, लेकिन दृष्टि हम देख रहे हैं दृष्टिकरण, तो दृष्टि ग्राफ हमेशा एक ही डायरेक्शन में होगा, चाहे तो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो स्टैंड, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो ग्राफ है दृष्टिकरण का, ये केवल एक ही डायरेक्शन में है और डायरेक्शन है पॉजिटिव। याद रखें ये दोनों डायग्राम भी बनाना बेटा बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसी के माध्यम से आप समझेंगे भी लास्ट में क्वेश्चन का, लास्ट में आंसर के लास्ट में ये डायग्राम भी जरूर बना करके आए स्टैंड, ठीक है, क्योंकि इसी की ही वैल्यू है, इस बात को याद रखें। ये तो सर्किट डायग्राम है, लेकिन इन दो ये भी दोनों बहुत ही मेन डायग्राम है, इनको भी जरूर बनाए स्टैंड, ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, ठीक है स्टैंड। और देखिए अब मैं इसकी दूसरे आधे चक्कर क्रिया विधि को समझा देता हूँ, ठीक है। देखिए प्रत्यावर्ती धारा के दूसरे आधे चक्कर में जब बिंदु ए बिंदु टी के सापेक्ष ऋण विभव पर होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं नेगेटिव डायरेक्शन में ऋण विभव पर होता है, तब बिंदु भी धन विभव पर होता है, देखिए धन विभव पर है, वो नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ठीक है स्टैंड। इस स्थिति में डायोड D2 अग्र अभिनत तथा डायोड D1 पश्चिम अभिनत होता है। डायोड ये बेटा डायोड D2 के अग्र अभिनत होने के कारण, डायोड D2 के अग्र अभिनत होके के शब्द है और ये अग्र अभिनत है ना स्टैंड,
अगर अभिनत होने के कारण लोड प्रतिरोध में धारा सी से डी की ओर प्रवाहित होती है, यानी दोनों ही चक्रों में, इस वाले चक्र में भी और इस वाले चक्र में ही, दोनों चक्रों में धारा जो आती है सी से डी की ओर को ही आती है स्टैंड, ठीक है, प्रवाहित होने के कारण सी से डी की ओर प्रवाहित होती है। चूंकि प्रतिरोध धारा के दोनों आधे चक्रों में लोड प्रतिरोध में धारा प्रवाह होता है और लास्ट में अतः पी एन सन्नी डायोड पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की भांति कार्य करता है। तो स्टैंड यही वो सवाल था जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसकी तसल्ली से थ्योरी को लिख लिए, और यही वो थ्योरी है बेटा, इससे आगे आपको कुछ भी नहीं लिख करके आना है। एक बार ध्यान से पढ़ करके देखेंगे बेटा, ऑटोमेटिकली बिल्कुल ही याद हो जाएगा, इसके अंदर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो स्टैंड अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। और आपको किसी दूसरे टॉपिक की वीडियो चाहिए, ट्वेल्थ की फिजिक्स हो या केमिस्ट्री और स्टैंड, ठीक है, तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसका वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा स्टैंड, ठीक है। इससे पहले मैंने पी एन सन्नी डायोड को बेटा अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में कैसे प्रयोग किया था उसका वीडियो लेक्चर आपके लिए बना दिया स्टैंड, ठीक है, आप उसको भी देख सकते हैं। ये तो पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में, लेकिन जो अर्ध तरंग दृष्टिकारी का जो डायग्राम है उसकी क्रियाविधि है, इससे पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, और फिर मेरी जो चैनल की प्ले लिस्ट है ट्वेल्थ क्लास फिजिक्स, उसमें जाकर इसको देख सकते हैं स्टैंड, ठीक है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।